जय माँ भारती। सबसे पहले आचार्य चाणक्य और चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम नमस्कार करता हूँ और चाणक्य नीति से आप सभी को अवगत कराता हूँ। वॉइस में भी और आपके स्क्रीन पे लेखनी भी दी गई है, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। पहला अध्याय का पहला श्लोक शुरू करते हैं। किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन में से भी आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं की रक्षा करे। प्रणम्य शीर्षा विष्णु त्रैलोक्याधिपतिम प्रभुम नाना शास्त्रोद्धृतम वक्षे राजनीति समुच्चयम। मैं तीनों लोकों, पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए राजनीति से संबंधित ज्ञान का वर्णन करूंगा। प्राचीन काल से हमारी यह परंपरा रही है कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथकार अपने आराध्य का स्मरण अवश्य करता है। इसे मंगलाचरण कहा जाता है। आचार्य चाणक्य ने भी सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु को नमन करके इस ग्रंथ की रचना की है। विदित हो कि श्री विष्णु पालन करता है और नीति का प्रयोजन भी व्यक्ति और समाज की व्यवस्था देना है। चाणक्य ने अपने इस ग्रंथ को राजनीति से संबंधित ज्ञान का उत्तम संग्रह बताया है। इसी संग्रह को बाद में विद्वानों और जन सामान्य ने चाणक्य नीति का नाम दिया है। दूसरा श्लोक। अधीत्येदं यथाशास्त्रं नरो जानाति सत्यमः धर्मोपदेश विख्यातं कार्याकार्यं शुभाशुभम्। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष इस शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन करके यह बात भली प्रकार जान जाएंगे कि वेद आदि धर्म शास्त्रों में कौन से कार्य करने योग्य बताए गए हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है और क्या पाप है तथा धर्म और अधर्म क्या है, इसकी जानकारी भी इस ग्रंथ से हो जाएगी। मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि कुछ भी करने से पूर्व उसे इस बात का ज्ञान हो कि वह कार्य करने योग्य है या नहीं, उसका परिणाम क्या होगा, पुण्य कार्य और पाप कर्म क्या है। श्रेष्ठ मनुष्य ही वेद आदि धर्म शास्त्रों को पढ़कर भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ यह बात जान लेना भी आवश्यक है कि धर्म और अधर्म क्या है। इसके निर्णय में प्रथम दृष्टि में धर्म की व्याख्या के अनुसार किसी के प्राण लेना अपराध है और अधर्म भी, परंतु लोकाचार और नीति शास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाना धर्म के विरुद्ध नहीं माना जाता। पापी का वध और अपराधी को दंड देना इसी श्रेणी में आते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी, उसे इसी विशेष संदर्भ में धर्म कहा जाता है। तदहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। अब मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़कर कोई भी व्यक्ति दुनियादारी और राजनीति की बारीकियां समझकर सर्वज्ञ हो जाएगा। यह सर्वज्ञ से चाणक्य का अभिप्राय ऐसी बुद्धि प्राप्त करना है जिससे व्यक्ति के समय के अनुरूप प्रत्येक परिस्थिति में कोई भी निर्णय लेने की क्षमता आ जाए। जानकर होने पर भी यदि समय पर निर्णय नहीं लिया तो जानना समझना सब व्यर्थ है। अपने हितों की रक्षा भी तो तभी संभव है। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन चै दुखितैः संप्रयोगेण पंडितो अप्य वसीदति।
मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट व्याभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, अपितु सज्जन और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं। उदाहरण के लिए बाया और बंदर की कहानी पाठकों को याद होगी। मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर बाया को अपने घोंसले से ही हाथ धोना पड़ा था। इसी प्रकार दुष्ट और उल्टा स्त्री का पालन पोषण करने से सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों को दुख ही प्राप्त होता है। दुखी व्यक्तियों से व्यवहार रखने से चाणक्य का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है और जिनका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अनेक रोगों का तात्पर्य संक्रामक रोग से है। बहुत से लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त होते हैं, उनकी संगति से स्वयं रोगी होने का अंदेशा रहता है। जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका हो, अर्थात जो दिवालिया हो गए हैं, उन पर एकाएक विश्वास करना कठिन होता है। दुखी का अर्थ विषादग्रस्त व्यक्ति से भी है। ऐसे लोगों का दुख से उबारना बहुत कठिन हो जाता है और प्रायः असफलता ही हाथ लगती है। जो वास्तव में दुखी है और उससे उबरना चाहता है, उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दुखी से तो स्वार्थी ही बचता है। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायक है, ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली दुराचारिणी स्त्री और धूर्त दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला महा मुंहफट नौकर, और ऐसे घर में निवास जहां सांप के होने की संभावना हो, ये बातें मृत्यु के समान हैं। जिस घर में दुष्ट स्त्री होती है, वहाँ गृह स्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान ही होती है, क्योंकि उसका कोई वश नहीं चलता और भीतर ही भीतर उड़ते हुए वह मृत्यु की ओर सरकता रहता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता है, न जाने कब धोखा दे दे। जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी उलटकर आपके सामने जवाब देता है, वह कभी भी आपको असहनीय हानि पहुँचा सकता है। ऐसे सेवक के साथ रहना अविश्वास की घूंट पीने के समान है। इसी प्रकार जहां सांपों का वास हो, वहां रहना भी खतरनाक है, ना जाने कब सर्प दंश का शिकार होना पड़ जाए। आपदर्थे धनम रच्छेद दारान रच्छेद नैरपि आत्मानम सततम रक्षेद दरैरपि धनैरपि। किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपत्ति अथवा बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात धन का संग्रह करे। समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहां धन काम नहीं आता, वहां जीवन साथी काम आता है। इसी संदर्भ में वृद्ध अवस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है। चाणक्य का विचार यह भी है कि धन और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। यदि व्यक्ति अपना ही नाश हो गया तो धन और स्त्री का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। इसीलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री रक्षा की अपेक्षा आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। देखने में आया है और उपनिषद के
ऋषि भी कहते हैं कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वयं से ही प्रेम करते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति। मित्रों, अभी आपने चाणक्य की नीति का 6 श्लोक सुना, अर्थ और संपूर्ण व्याख्या सहित। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगले भाग के लिए तैयार रहें। आपको जल्द ही और श्लोक अर्थ व्याख्या सहित दूसरे वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। निरंतर बने रहिए मौर्य एक शासक परिवार यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए जय मां भारती, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।